चौक से। ये देखिए, अब इसका भी हम अपना तीरे का आधा ले लेंगे और इसमें भी बीच में निशान लगा देंगे। अब इसके बीच में ही ये हम गला अपना सेट करेंगे। इसके लिए हम एक पिन लगा देंगे कि जिससे गला हमारा इधर उधर भागे ना। अभी बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बुकरम पे लगाओगे और अंदर को मोड़ोगे तो वो मोटा हो जाएगा, इसीलिए बुकरम के हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब दोनों हिस्सा हमने बराबर रख लिया, देख लीजिए। अभी हम कटिंग कर देते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के। ये हमारा कट हो चुका, अभी इसमें हम कट लगाएंगे, पूरे में कट लगा देंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि कहीं सिलाई पे ना लग जाए, हमें सिलाई पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब ये कट लगाने से हमारा ये कपड़ा हमने इधर फोल्ड किया, ये देखिए अब बुकरम हमारा पूरा ढक चुका और ये हमने इधर फोल्ड किया। हाँ दोस्तों, अब ये अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर कच्ची सिलाई चला देंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये देखिए, अभी हम मशीन का टाँका बड़ा करके और इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। फिर हम बाद में इसमें सुई से तुरपाई करेंगे और ये सिलाई निकाल देंगे। गला हमारा बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गला हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है राउंड से। थैंक यू।